नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश वोकैबुलरी का आना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा हमें इंग्लिश के शब्द याद होंगे उतनी अच्छी अंग्रेजी हम बोल पाएंगे और साथ में लिख भी पाएंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही बेसिक वर्ड्स जो आपको सिखाने वाला हूँ, शायद आपको पता भी हो लेकिन फिर भी आप एक बार इन्हें देख लीजिए, इन्हें सुन लीजिए, शायद आपको इंग्लिश में हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें से कुछ प्रोनाउन है, कुछ डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं और कुछ प्रोनाउन के टाइप्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई मतलब मेरा, माई मतलब मेरा, आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा, मी मतलब मुझे, यू मतलब आप, योर मतलब आपका, आवर मतलब हमारा, ही मतलब वह, आवर्स मतलब हमारी, दैट मतलब की भी होता है, दैट मतलब एक कंजंक्शन भी होता है जो सेंटेंसेस को जोड़ता है, हिज मतलब उसका लड़के के लिए, हर मतलब उसकी लड़की के लिए, ही मतलब उसे। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है वी, वी मतलब हम, अस मतलब हमें, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वी का। इट मतलब यह, वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, जानवरों के लिए करते हैं। इट्स मतलब इसके, ये पजेसिव प्रोनाउन है। शी मतलब वह, दे मतलब वे, दियर मतलब उनके, ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव हम इसे मान सकते हैं। दिस मतलब इस, जब एक वस्तु के लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला वर्ड है हरसेल्फ, हरसेल्फ का मतलब होता है वह खुद, ठीक है। जैसे प्रोनाउन के जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स होते हैं उसमें आई का माई सेल्फ होता है, ही का हिमसेल्फ होता है, ऐसे हरसेल्फ मतलब वह खुद लड़की के लिए, ठीक है। अगला वर्ड है दीज, दीज मतलब होता है इन, योर्स मतलब होता है तुम्हारा, ही हर्स मतलब होता है उसकी, ये भी सारे जो है पजेसिव प्रोनाउन है, ध्यान रखना है इन्हें, ठीक है। कभी कभी आ जाएंगे तो आपको अगर हिंदी मीनिंग पता है तो आप सेंटेंसेस की मीनिंग ईजिली निकाल सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है माइन, माइन मतलब मेरा, जैसे हम बोलते हैं ना दिस बैग इज़ माइन, दिस बैग इज माइन, यह बैग मेरा है। हमारा अगला वर्ड है इट्स, इट्स का मतलब होता है यह है कि, ठीक है। तो इट्स मतलब बोलते हैं ना इट्स माई बैग, इट्स माई वॉच, इस तरीके से बोलते हैं इट्स का इस्तेमाल। हमारा अगला वर्ड है देयर, देयर मतलब वहाँ, देखो हियर का मतलब होता है यहाँ, देयर मतलब होता है वहाँ, दोस्तों प्लेस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला वर्ड है दोज, दोज का मतलब होता है उन, जैसे दोज आर माई फ्रेंड्स, तो दोस्तों एक से अधिक वस्तुओं के लिए, वो वस्तुएं जो दूर है उनके लिए हम लोग दोज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब खुद, जैसा कि मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है, जैसे आई का माई सेल्फ होता है, ही का हिमसेल्फ होता है, शी का हरसेल्फ होता है, दे का देमसेल्फ होता है, वी का आवर सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है, तो ऐसे ही माई सेल्फ मतलब खुद होता है ना। उसके बाद अगला है योर सेल्फ, तुम खुद, हिमसेल्फ मतलब वह खुद। हमारा अगला वर्ड है इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब होता है किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे जानवर के बारे में बात करेंगे तो उस खुद जानवर की बात होगी या खुद वस्तु की बात होगी तो हम इटसेल्फ लगाएंगे। जैसे द केट हर्ट इटसेल्फ, मतलब केट ने खुद को हर्ट कर लिया। वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, हुम मतलब किसे किसको, और दे मतलब उन्हें। तो ये मैंने आपको दोस्तों क्या किया कि बेसिक वर्ड्स थे, हो सकता है इनमें से बहुत सारे आपको पता है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लिख भी सकते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ कुछ हमारी हेल्पिंग वर्ब्स में, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलेंगे और मेन वर्ब्स भी बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करूँ तो हेल्पिंग वर्ब टाइम बताती है, जबकि मेन वर्ब ये बताती है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है, कुछ मेन वर्ब्स है और कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स भी है। चलिए शुरू करते हैं। इसका मतलब है होता है प्रेजेंट को शो करता है, इज एम आर, और उसके अलावा वॉज वर्ब जो है वो पास्ट को शो करते हैं बी वर्ब में, और हैज हैव जो है वो टू हैव वर्ब है, ये किसी वस्तु को पास होने की बात करते हैं। आगे हम बात करें, सारे मॉडल्स दिए हुए हमारे पास। कैन का मतलब सकते हैं, जिन सेंटेंसेस सेंटेंसेस के लास्ट में सकता हूँ, सकते हैं आ जाए तो वहाँ कैन लगाना है। उसके अलावा कुड का इस्तेमाल हमें करना है जहाँ पर सका या पाया आ जाए। कैन भी मतलब जा सकता है। शुड मतलब चाहिए, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। वुड का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पर गा गे घी आता है। अबाउट टू का मतलब होता है कोई काम करने वाला हूँ, और गोइंग टू का मतलब कोई काम करने वाला हूँ, दोनों ही का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हैव टू है, कोई काम करना है। बी का मतलब हो, बींग मतलब हो रहा है, बीन मतलब रहा हूँ। माइट और मस्ट भी मॉडल है, माइट पॉसिबिलिटी को शो करता है, मस्ट कंपलसेशन को शो करता है। इसके अलावा डू डस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, और डिड पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। डू एक मेन वर्ब भी है और डस भी साथ में, और डिड एक मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो दोस्तों ये जानकारी थी बेसिकली, ये अब एक दो बार इन चार्ट्स को रीड कर लेंगे। अगर चार्ट्स को रीड कर लेंगे तो ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए है ना। इनके इन जितनी भी वर्ब्स हैं इनके सिचुएशनल आंसर्स होते हैं, कंडीशंस के आधार पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।